हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नई अंजलि भाभी की एंट्री हो चुकी है और इस बात का खुलासा रिसेंटली अपकमिंग प्रोमो में कर दिया गया है, जहां पर के आत्माराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले गणित उत्सव की मीटिंग के लिए अनाउंसमेंट करता है, जहां पर गोकुलधाम सोसाइटी का हर एक मेंबर सोसाइटी के बाहर आता है, जिसमे की रोशन सिंह सोडी और अंजलि भाभी भी शामिल होते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस शो के अंदर अंजलि के किरदार में जिस एक्ट्रेस ने उनकी जगह ली है, उनका नाम सुनैना फौजदार है, जो कि इससे पहले कई सारे टीवी शोस एंड मूवीज में काम कर चुकी हैं। तो रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान सुनैना फौजदार ने सोशल मीडिया हैंडल पर तारक मेहता शो के फैंस के साथ में अपनी एक बात शेयर की है। सुनैना ने बताया कि इस शो के लिए तारक मेहता शो के मेकर्स के साथ में मेरी बहुत टाइम से बातचीत चल रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शूटिंग में देरी हो गई। मैंने अंजलि भाभी के किरदार के लिए 4 बार ऑडिशन दिए, कई बार लुक टेस्ट दिए, तब जाके मेरा सिलेक्शन इस शो के अंदर हुआ है। कई सारे राउंड क्लियर करने के बाद इस शो के प्रोड्यूसर आशित कुमार मोदी ने मुझे बताया कि उन्हें अंजलि भाभी के किरदार के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा हूँ। साथ ही सुनैना ने ये भी बताया कि नेहा मेहता करीब 12 साल से इस किरदार को प्ले कर रही हैं, तो एक तरीके से अंजलि भाभी के किरदार में नेहा ने इस शो के अंदर अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। तो तारक मेहता शो के कई सारे फैंस कंपैरिजन तो करेंगे नई अंजलि भाभी एंड पुरानी अंजलि भाभी में, और ऐसे टाइम पर मैं शो के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि मैं नेहा मेहता को अंजलि किरदार में सही जस्टिफिकेशन दे पाऊं, और साथ ही मैं तारक मेहता शो की ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे अंजलि भाभी किरदार में एक्सेप्ट करें। कई जगह पर पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो कई जगह पर नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो कई सारे दर्शक मेरी इस किरदार के लिए प्रशंसा करेंगे तो कई सारे लोग मुझे इस किरदार के लिए गालियां भी देंगे, बट मैं दोनों स्वीकार करूंगी। वेल गाइस, आप बताइए कि आपको तारक मेहता शो की ये नई अंजलि भाभी कैसी लगी, इस बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।